हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका में जैसा कि आपको पता है मैं एसएससी जीडी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा रहे हैं पीवीएस के जो भी सन आपके 2021 हजार इक्कीस में प्रीवीएस के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम चैप्टर वाइज लगा रहे हैं तो ये लाभ हानि की आपकी क्लासेस में लाभ हानि के क्वेश्चन लिए गए और लाभ हानि की ये टोटल नंबर क्लास में बात करें तो टोटल नंबर की क्लास अगर बात करें तो टेंथ होगी लेकिन लाभ हानि के जब से मैंने क्वेश्चन लेने चालू करते हैं उसकी क्लास ये आपकी आई थिंक फोर्थ होगी क्लियर है तो क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गए आप पहले वीडियो को पोस्ट करके खुद लगाना आंसर फिर मेरा तरीका देखना तरीका समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के तरीके समझने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तरीके देखते हैं तो रीमा ने मैंने हर तरह के क्वेश्चन कवर किए रीमा ने इतने परसेंट लाभ पर एक सूट बेचा यदि उसने सत्तर रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे चौदह परसेंट का क्या होता लाभ होता भाई मान लो पहले बेच रही थी चीज साढ़े दस परसेंट में अब बेच रही है चौदह परसेंट लाभ में तो लाभ का जो परसेंटेज है वो कितना बढ़ा दिया उसने तो देखो लाभ का परसेंटेज आप देख पा रहे हो साढ़े तीन परसेंट बढ़ा दिया कितना बढ़ा दिया साढ़े तीन परसेंट तो हम बोलेंगे साढ़े तीन परसेंट बढ़ाने से उसके रुपए में जो कीमत में जो वृद्धि आती है वो साढ़े सत्तर परसेंट की आती है तो अगर एक परसेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वन परसेंट आएगा आपको सत्तर बटे साढ़े तीन और आप हंड्रेड परसेंट निकालोगे तो हंड्रेड परसेंट निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई हंड्रेड परसेंट निकालने से हमें क्या मिल जाएगा उसका वस्तु का सीपी मिल जाएगा क्लियर है क्योंकि हमने क्या करा भाई लाभ किस पर होगा लाभ तो आपको सीपी पर होगा सही है तो हमें हंड्रेड परसेंट मैं क्या माना इसका सीपी माने हंड्रेड परसेंट अगर हमने मान लिया तो हमारा इसका क्रेम, आ, उसका जो है क्रेम मूल्य वो निकल जाएगा चलो कोशिश करते हैं कितना आएगा जरा जीरो लगा दो जीरोस दून सत्तर आ जाएगा यानी आपका जो सीपी आ गया सीपी कितना आ गया सीपी आपके दो हजार आ गया क्लियर है दो हजार सीपी आ गया लेकिन पूछा क्या इसने तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य बता दो भाई प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा भाई प्रारंभिक विक्रय मूल्य तो वो साढ़े दस साढ़े दस परसेंट इसका लाभ है यानी दो हजार की चीज पर साढ़े दस परसेंट अगर प्रॉफिट जोड़ दोगे तो आपका स्टार्टिंग का सेलिंग प्राइस आ जाएगा यानी दो हजार कितना भाई दो हजार का हमें क्या निकालना है साढ़े दस परसेंट ध्यान देना दो हजार का साढ़े दस तो दो हजार का साढ़े दस परसेंट निकालोगे तो दो हजार का पहले ये बताओ दो हजार का दस परसेंट कितना होगा ये होगा भाई 2000 का 10 परसेंट दो सो हो जाएगा और 5 परसेंट निकालने के पॉइंट फाइव परसेंट निकालने के लिए एक परसेंट का आधा कर दो तो परसेंट इसका हो जाएगा 20 आधा कितना दस हो जाएगा यानी दो सौ दस रुपए क्या हो जाएगा इसका आपका साढ़े दस परसेंट हो जाएगा क्लियर है दो क्या हो जाएगा इसका साढ़े दस परसेंट बस सेलिंग प्राइस निकालना आपको तो सेलिंग प्राइस यानी दो में दो में दो जोड़ दो यानी दो आंसर इसका आ जाएगा नहीं नहीं ऑप्शन नंबर अपर टू क्वेश्चन कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता कुल वैध मतों का इतने अनुपात में अब देखो कभी भी चुनाव वाले क्वेश्चन आ जाए ये चुनाव वाले दो तीन क्वेश्चन आपके और हो चुके हैं पिछली वीडियो में तो कभी भी ध्यान रखना चुनाव वाले अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें अगर आपको वैध अवैध वाला केस जरूर ध्यान रखना क्योंकि वैध अवैध वाले से आपको क्या होगा देखो वैध अवैध वाले में देखना कि कई भी अगर वैध की बात हो उसमें कहीं ढूंढ लो कि कहीं अवैध तो नहीं दे रखे तो अवैध हमें मिल गए देखो क्या है उन्नीस परसेंट है तो ये पहले अच्छा, को हमेशा सौ मान के करना तो हमने मान लिया कि सौ क्या थे हमारे कुल वोट थे कुल वोट क्या है हमारे सौ अब सौ में से हम पहले क्या करेंगे उन्नीस अवैध को हटा देंगे तो उन्नीस अगर अवैध को हटा देंगे तो हमारे पास जो वैध वोट आएंगे वो क्या आएंगे इक्यासी ये क्या है आपके वैध अब ध्यान रखना इसी में से आपका हार जीत का फैसला जो है वो इसी में से होगा ठीक है अब इक्यासी में से दो बंदों को मिलते हैं दो बंदे कौन है एक तो आपकी सीमा है और दूसरी कौन है भाई एक आपकी सीमा है एक है आपकी गीता क्लियर है अब इनको कितना कितना परसेंट मिलता है वो तो परसेंटेज वाली बात तो यहाँ कही नहीं गई है अभी तक जो आते थे, वो ऐसे आते थे को मिलके, इस तरह क्वेश्चन आते थे लेकिन अब परसेंटेज वाली चीज जो है इसमें से इन्होंने खत्म कर दिया क्या कर दिया इन्होंने इसको परसेंटेज की जगह इन्होंने रेशियो में डिवाइड कर दिया अब ये मान लो तो रेशियो का मतलब क्या है कि इसे चार रेशियो में मिलता है तो इसे कितना मिलता है पांच रेशियो मिलता है यानी पाँच चार रेशो मिलता है सी आगे पढ़ते हैं क्या पूछना क्या चाह चाहे तो सीमा गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितना अंतर है अब देखो सीमा और देखो पूरा क्वेश्चन नहीं करना है सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों का जो है आपका क्या बताना अंतर तो हम रेशियो के हिसाब से देखो रेशो के हिसाब से बताओ कि कितना अंतर दिख रहा है रेशियो के हिसाब से हम देख पा रहे हैं वन यूनिट का अंतर दिख रहा है कितने का दिख रहा है वन यूनिट का और डी पांच यूनिट भाई ये चार यूनिट प्लस पांच यूनिट ये टोटल बराबर किसके होंगे साइड में लिखो देखो ये टोटल बराबर आपका नौ तो आप नौ यूनिट बराबर क्या आप इक्यासे लिखोगे वन यूनिट बराबर आप क्या नौ कितना नौने में कैसे आ जाएगा तो आप ये देखो किन जो वोटो में अंतर है वो कितने है यूनिट का अंतर है आपका कितना भाई इक्यासी हाँ नौ नौ का अंतर है इक्यासी में अगर देखा जाए तो नौ का अंतर है कितना नौ का आपका क्या है अंतर है यानी नौ का अंतर है बस नौ बराबर ही हमें निकालना है अगर पूरा क्वेश्चन करना चाहो तो सीमा को अगर पूछे कि सीमा को कितने वोट मिले तो भाई वन यूनिट में नौ तो चार यूनिट में नौ चौक छत्तीस हो जाएगा और गीता की बात करें तो गीता को कितना हो जाएगा आपका नौ पंजे नौ पंजे पैतालीस छत्तीस और पैंतालीस हमें जरूरत क्या थी कितने वोटों का अंतर है तो कितने वोटों का अंतर दिख रहा है नौ यूनिट का अंतर दिख रहा है अब बताओ कुल वोट दे रखे होंगे क्या इसने कुल वोट ये दे रखे हैं कुल वोट वैसे हमने कितने माने सो कितने माने भी वैसे हमने सो माने क्लियर हमने माने सो तो हम लिखेंगे कि सौ बराबर जो हमारे कुल वोट है वो कितने हैं आपके पंद्रह हजार एक बराबर अगर निकालेंगे तो एक बराबर आपका आएगा जाएगा डेढ़ सौ लेकिन नौ बराबर निकालोगे तो नौ गुणा डेढ़ सौ कर देना तो पंद्रह नीम एक सौ पैंतीस होता है और एक जीरो टा यानी एक सौ पैंतीस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एक सौ पैंतीस है यानी तेरह सौ पचास क्लियर है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखे पढ़िए पहले क्वेश्चन को ध्यान तो साढ़े परसेंट का साढ़े बारह अब देखो याद होगा साढ़े बारह परसेंट का फ्रैक्शन आपको एक बटा आठ होता है बहुत ज्यादा याद आपको नहीं अगर याद है तो भाई देखो पेपर में थोड़ा बहुत याद करके जाओ इतना लगाओ ये आपका जीरो यहाँ करो तो पच्चीस पंजे और पच्चीस चौका चालीस पांच एक पांच अठे चालीस एक बट आठ अब देखो ये भाई याद रखना है आपको साढ़े बारह परसेंट का जो रेशियो बनता है वो कितना के, बनता बनता है बनता है यानी आठ की चीज आपने कितने में बेच दी नौ में बेच दी यानी ये आपका क्या हो गया सीपी हो गया ये आपका क्या हो गया एस हो गया, गया? क्लियर अब आप क्वेश्चन के हिसाब से कितने बेच रहे हो क्वेश्चन के हिसाब से आप बेच रहे हो एक सौ सत्तावन दशमलव पाँच जीरो क्लियर तो नौ बराबर इतना है तो आठ बराबर कितना होगा अब निकालो भी नौ बराबर कितना होगा तो नौ बराबर आप कर, काटोगे तो नौ एकम नौ नौ सत्ती पैंतालीस ही अब साढ़े सत्रह की गुणा यहाँ से लगा दो साढ़े सत्रह की गुणा अगर आप आठ से लगा दोगे तो कितना बनेगा ये आपका हो जाएगा एक सौ चालीस हो जाएगा क्लियर अब आपसे कह रहा है यदि वो से एक सौ सैतालीस से बीस था एक सौ सैतालीस बीस था तो उसका लाभ हानि बताओ तो भाई चालीस की जी अगर एक सौ सैतालीस रहा है तो हमें दिख रहा है लाभ होगा उसे सात का कितने पर होगा एक पे परसेंटेज निकालने के लिए गुणा सौ लगा देंगे यह आपका जाएगा सात दो चौदह यानी दो पंजे दस यानी पांच परसेंट परसेंट क्वेश्चन का क्या हमारा आ जाएगा क्लियर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 इसके अंकित मूल्य पे 15 परसेंट एक्स परसेंट बीस परसेंट की तीन क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु इतने में जाती है और आपको पहले तो एक्स परसेंट का यहाँ पे मान निकालो, पाँच सौ पचास पाँच सौ पचास का अगर आप पंद्रह निकालोगे तो दस परसेंट इसका पचपन हो जाएगा और पाँच परसेंट इसका हो जाएगा, दस परसेंट का आधा यानी सत्ताईस दशमलव पाँच हो जाएगा और उसके बाद ये पाँच सात पाँच बारह बारह और एक यानी पाँच छः सात आठ बयासी यानी पाँच सौ पचास की चीज पर आप बैस, साढ़े बयासी कम कर दो साढ़े बयासी कम कर दोगे तो कितना आएगा दस में से पाँच पाँच और आपका इतना नौ यानी सात बचेगा यहाँ पे छः और ये हो जाएगा आपका चार सी, अब इस पर आप एक्स परसेंट थोड़ी देर छोड़ दो बीस परसेंट की एक छूट और दो यानी इस पर अगर बीस परसेंट निकालोगे तो इस पर बीस परसेंट कितना निकलेगा बीस परसेंट यानी दस परसेंट निकालो दस परसेंट हो जाएगा इसका इतना और बीस परसेंट के लिए गुणा दो मार दो यानी दो पंजे दस दो पंजे दस दो सत्य चौदह और एक पंद्रह और छह बारह और एक तेरह और चार दो चौक आठ और एक नौ यानी आपको नाइनटी थ्री थ्री पॉइंट फाइव जीरो की छूट हो देनी है यानी माइनस करना है नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव माइनस करना है इसमें से तो वस्तु अब देखें कितने की जा रही है तो माइनस करेंगे तो आपका पांच में जीरो आ जाएगा इतना सात आपका सात में से तीन जाएगा चार आ जाएगा और आपका इसमें से जाएगा तो आपका आ जाएगा सैंतीस क्लियर है सैंतीस यानी तीन सौ चौहत्तर रुपये की वस्तु जा रही है अब ये तो आगे, आगे आगे आपका दो छूट देने के बाद मामला जो तैयार हो रहा है तीन सौ चौहत्तर दशमलव चार का तैयार हो रहा है यानी तीन सौ चौहत्तर रुपये की वस्तु जा रही है क्लियर है लेकिन आपसे पूछा है कि वस्तु कितने में जा रही है फाइनल में यानी एक छूट और है वो एक्स परसेंट आपको यहां से मिल जाएगी यानी कितने में जा रही है तीन सौ सत्रह दशमलव नौ जीरो तो साइड में निकालो तीन सौ सत्रह दशमलव तीन सो चौहत्तर दशमलव जीरो में से आप तीन सो सत्रह दशमलव ये माइनस करो तो ये पता चल जाएगी यहाँ पे छूट है कितने तो एक आएगा पॉइंट फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे चौदह पंद्रह यानी छः हो जाएगा छः दिन बार एक तेरह और यहां पर आ जाएगा आपका पांच यानी छप्पन दशमलव एक छूट है कितने पर तीन सौ चौहत्तर में और गुणा सौ लगा देंगे तो यहां से हमारा परसेंटेज निकल जाएगा सही इसको यहां से हटा के एक जीरो टांग देते हैं अब इसकी परसेंटेज निकालते हैं कितनी बार कर सकता है अभी ये पहले से काटते हैं चार एकम, चार चार यानी ये आपका हो जाएगा इसकी गुणा करके लिखे हम फाइव सिक्स में फाइव है ये आपका 5, 6, 1, 0, में, 304, आपका दस बार तो तीन सौ दस बार तीन है सात सौ सत्तर यानी आपका ये, ये पाँच बार पंद्रह बार कटेगा सी पंद्रह परसेंट इसका आ जाएगा अब ये क्या है कहना और क्या कह रहा है आपसे चलिए थोड़ा सा रफ कर लेते पंद्रह परसेंट आपकी दर आ गई अभी कह रहा है वस्तु को अगर टू एक्स परसेंट छूट देते मतलब है आप जहां पहले 15 जो आए, एक्स की वैल्यू आई है तीस परसेंट छूट दोगे और कितने पे दोगे दो तो विक्रय मूल्य क्या होगा कितने पे दोगे पांच सौ पचास पे तो पांच सौ पचास पे अगर तीस परसेंट छूट दोगे तो वस्तु कितने पे जाएगी तो तीस परसेंट यानी दस परसेंट पचपन दस परसेंट इसका पचपन तीस परसेंट इसका डबल तीन पंजे पंद्रह का पांच कैरी अरेवन तीन पंजे पंद्रह सोलह यानी एक सौ पैसठ की छूट दे दो और आपका माइनस कर देना आंसर आपका आ जाएगा दस में से पांच गया पांच और इधर कितना बचा आपका पंद्रह चौदह तो यानी आपका हो जाएगा ये आठ और यहाँ पे आपका चार चार में से तीन यानी तीन सौ पिचासी क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है देखिए ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन है नंबरिंग पर मत जाना नंबरिंग अलग डली हुई थोड़ी सी क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले उसके बाद इसका आंसर आप लगाना नीचे कमेंट बॉक्स में देना क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने इतने रुपए में दो मोबाइल फोन खरीदे और उसमें से एक को उसने पंद्रह परसेंट लाभ पर दूसरे को बीस परसेंट हानि पर बेच दिया यदि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर हो तो हानि बताना अब देखो पंद्रह पचास में दो मोबाइल खरीदे तो एक मान लो एक का सीपी एक्स होगा तो तो को अगर वो वो बेचता बेचता है 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 कितने पर 15 पर लाभ तो लाभ का मतलब कि चीज की और ये चली गई ये हो गया आपका क्या पूरा sp हो गया दोनों का sp क्या है बराबर है तो एक चीज अगर एक्स की है तो दूसरी चीज कितनी हो जाएगी दूसरी अच्छा यहाँ पे थोड़ा कैलुएशन करने कम करने के लिए इसे पचास मान के चलो तो पचास में से हम अच्छा सब में से आप पचास चलो लगाते हैं पचास यानी हम इसमें क्या करेंगे पचास माइनस एक्स करेंगे और इसको कितने बेच रहा है वो बीस परसेंट हानि यानी जा रही चीज अस्सी परसेंट में ये हो गया आपका ये खत्म करो एक सौ पंद्रह एक्स हो जाएगा बराबर कितना आपका आठ पंजे चालीस यानी चालीस और दो जीरो और माइनस आपका पचास सॉरी अस्सी एक्स एक्स को एक तरफ ले आओगे तो यहाँ पे एक और एक्स ये प्लस हो जाएगा यानी बन जाएगा आपका इसका एक सौ पचानवे एक सौ पचानवे एक्स बराबर कितना इतना और बराबर आपको एक सौ यहाँ से हटाएंगे अब ये देखो पॉइंट में आएगा पॉइंट से बचने के लिए तो एक सौ का आप थोड़ी देर मान लो दो सौ है ये और दो सौ मान के अगर काटते हैं तो ये आपका बीस बनेगा क्लियर यानी एक्स का मूल्य बीस है पूछ क्या पूछना क्या है तो हानि पर बेची गई मोबाइल हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य बताना है और ये कौन सा है? आया आपका ये क्रय मूल्य कौन सा है ये आया है प्रॉफिट वाला ये जो एक्स माना हमने कौन सा मारा प्रॉफिट वाला यानी अगर प्रॉफिट वाला मोबाइल अगर बीस में जा रहा है तो हानि वाला मोबाइल तीस में जा रहा होगा तीस में आ रहा होगा क्योंकि दोनों मिला के चीजें पचास में आ रही है तो तीस के आसपास आंसर आपको पहला वाला दिख रहा है तो ये आप इसका लगा देना अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पढ़िए पहले कि रघु ने सौ रुपए में बारह की दर से कुछ पेन खरीदे रघु ने सौ रुपये में बारह की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 में 15 की दर से समान पेन खरीदे यानी सौ रुपए में 12 खरीद रहा है यहाँ 135 में 15 खरीदा है तो थोड़ा इसे सौ रुपए में 12 खरीदा है थोड़ा हम ऐसे आसान करके भी चलेंगे सौ रुपए में यानी ये मानेंगे हम रुपए है ये आपका और इधर लिखेंगे पेन क्लियर है सौ रुपए में कितने पेन आपके बारह थोड़ा आसान कर लो इसे चार से काट लो कि आपके पच्चीस रुपए में कितने आ गए आपके पच्चीस रुपए में तीन पेन आ गए क्लियर चार से मैंने डिवाइड कर दिया इसे एक सौ पैंतीस रुपए में कितने आपके 135 एक सौ पैंतीस रुपए में पंद्रह है यानी एक पेन कितने का पड़ेगा आपका एक पेन पंद्रह पंद्रह और पंद्रह नहीं आपके एक सौ पैंतीस यानी नौ पेन आपके कितने पड़ जाएंगे एक रुपए में सही है अब ये कह रहा है समान संख्या में खरीदता है यानी ऊपर भी अगर पेन तीन खरीदता है तो नीचे भी पैन तीन खरीदेगा तीन करने के लिए तीन से इसे गुणा लगा दो समान पेन हो गए तीन नम सत्ताईस तीन गम तीन पच्चीस पैन यहाँ तीन रुपए के यहाँ सत्ताईस पैन तीन रुपए के टोटलिए तो पच्चीस और सत्ताईस को अगर एट मारोगे तो यह आएगा आपका क्लियर है और में पेन कितने में खरीदा है छह रुपए में क्लियर तो बावन पेन कितने में खरीद रहे हैं तो है? जा रहे हैं छह रुपए में अब ये बेचने वाली बात आएगी ये आपका सीपी तैयार हो गया अभी अभी बेचने वाली बात आएगी थोड़ा इसे और आसान करते हैं तीन और आपका ये कटेगा कितने से आपका छब्बीस तो इसे भी थोड़ा इजी कर लेना कि आपका ये छ हो जाएगा इसे थोड़ा काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका छब्बीस यानी हमें पता चल गया कि छब्बीस रुपए में हमने कितने पेन खरीदे तीन पेन खरीदे छब्बीस रुपये में तीन पेन खरीदे लेकिन आपको करना क्या है कि दो सौ साठ रुपए में आप कितने पेन बेचोगे ताकि बीस परसेंट का लाभ हो अच्छा अब ये बताओ छब्बीस रुपये में आप तीन पेन खरीद रहे हो तो ये देख लो कि छब्बीस आपका जो लाभ या हानि होगी वो किस पर होगी वो तो आपके रुपये पर होगी रुपये रुपये क्या है यहाँ पर आपका रुपये है आपका छब्बीस रुपए आपका छब्बीस अब आप साइड में निकालो कि छब्बीस रुपए पर अगर मुझे बीस परसेंट कमाने हैं तो छब्बीस रुपए पर बीस परसेंट कमाने के लिए कितना करना पड़ेगा बीस परसेंट यानी ये दस परसेंट हो जाएगा बीस परसेंट यानी आपका बावन यानी पांच दशमलव दो यानी आपको छब्बीस रुपए की चीज आपको कितने बेचनी पड़ेगी छब्बीस की चीज आपको बेचनी पड़ेगी छब्बीस में पांच दशमलव दो जोड़ोगे यानी छब्बीस और पांच यानी इकतीस इकतीस दशमलव दो यानी इकतीस दशमलव दो रुपए में आप कितने पैन बेचोगे, आप बेचोगे तीन पैन. क्योंकि छब्बीस के हाँ तीन पैन है, तो लाभ लेके आप रुपए पर इकतीस दशमलव दो रुपए में तीन पेन ही बेचोगे लेकिन आपको बेचने हैं दो सौ साठ रुपए में कितने पेन तो भाई एक रुपए में कितना पेन जाएगा एक रुपए में अगर पेन जाएंगे आपके तीन बटे स दशमलव दो और छब्बीस रुपये में निकालने के लिए आपको छब्बीस 26 से दो सौ साठ रुपये निकालने के लिए दो सौ साठ से इंटू कर लेना तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा सी तो देखते हैं जरा सी चलो इसे कर लेना ये आपका आ जाएगा मामला सही एक रुपये में आपको कितने तीन चलो कल लगा देता हूँ मैं पूरा तो पॉइंट को यहां से हटा के यहाँ बढ़ा लो कैलकुलेशन करने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं पेन का हम्म तो क्या अगर मैंने पॉइंट को यहाँ से हटा के लिए यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लिया तीन तीन गम, तीन जीरो तीन चौक बारह यानि आपको छब्बीस सौ की बाघ लगा दो आप एक सौ चार से तो मैं देख पा रहा हूँ इसका पंद्रह पच्चीस एक सौ चार की पच्चीस से गुणा लगाएंगे लगाना जरा एक सौ चार की पच्चीस से पांच चौक बीस इकाई का तो जीरो चाहिए हाँ तो पच्चीस बार ही आपका चला जाएगा कितनी क्लियर पच्चीस बार आपका ये चला जाएगा पांच चौक बीस पांच एकम पांच और दो चौक आठ दो एकम दो यानी जीरो आठ दो दस हाँ सही है यानी पच्चीस आपका इसका आंसर आ जाएगा क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है सेवनटीन नंबर का क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन ही सिमल सेम है दोनों सही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसे एक बार खुद लगाइए फिर इसका आंसर आप दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अठारह सो रुपये में एक वस्तु बेचकर मिला लाभ अठारह सौ रुपए में एक वस्तु बेचकर जो लाभ मिला है उस लाभ की तुलना में तीन गुना है जो इसे तेरह सो पचास तेरह हजार तेरह 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 सो पचास में बेचने पर प्राप्त हुआ था मतलब ये है आपकी वस्तु इस वस्तु पर आपने एक बार चीज यहां बेची तो अट्ठारह सौ में बेची प्रॉफिट पर तो ये प्रॉफिट में गई और उससे पहले आपने बेची थी तेरह सौ पचास में ये भी प्रॉफिट में बेची थी अब यहाँ पर लाभ हुआ था एक तो यहाँ लाभ कितना होता तीन क्लियर है तो आप ये देखो आपने जो दाम है वो दाम कितना बढ़ा दिया दाम आपने तेरह सौ पचास में बेच रहे थे अब अठारह सौ बढ़ा दिया तो कितना बढ़ा दिया अगर रुपए के हिसाब से बात करें तो दाम हमने बढ़ा दिया साढ़े जीरो आठ यानी साढ़े चार सौ रुपये दाम बढ़ा दिया साढ़े चार सौ बढ़ा दिया और यहाँ पे यूनिट के हिसाब से अगर बात करें तो कितना बढ़ा दिया दो यूनिट तो दो यूनिट बराबर हमने हमारा आ गया वन यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो चार सौ पचास का आधा यानी चार सौ का आधा दो सौ दो सौ पच्चीस हो जाएगा पूछना क्या चाह रहा आपसे वस्तु का क्रय मूल्य बताओ और वस्तु का क्रय मूल्य भाई वस्तु का क्रय ये भी देखो आपका एस पी है और ये भी आपका एस पी है तो क्रय मूल्य आपका यहाँ से भी निकल जाएगा यहाँ से निकालने के लिए आपको तेरह सौ पचास में से वन यूनिट की वैल्यू जो है आपकी दो सौ पच्चीस आई है वो आपको घटानी पड़ेगी तो आंसर आपका आ जाना चाहिए तो दस में से पांच जाएगा पांच और पांच में से चार में से यानी दो पच्चीस दिख रहा है कहीं बस लो पूरा मत करो आपका आंसर आ गया फिलहाल आपका आइए आपकी आंसर आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन अच्छे हैं आपके अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने इतने रुपए अंकित मूल्य वाला टेबल फैन इतने रुपए छूट पर खरीदा यानी छब्बीस सौ रुपए वाला जो टेलीफोन था वो टेबल फैन था वो 18% परसेंट छूट तो इसका अगर 18% परसेंट निकालेंगे तो छब्बीस सौ का 18% परसेंट के लिए छब्बीस सौ का एक परसेंट इतना होता है अट्ठारह परसेंट निकालोगे तो 18 से गुणा कर दोगे आठ छः अड़तालीस का आठ हो जाएगा आठ सोलह यानी बीस हो जाएगा और छह और दो यानी आपको हो जाएगा आठ छः चार चार सौ अड़सठ हो जाएगा यानी आपने ये वाली जो वस्तु है चार परसेंट छूट पर बेच दी यानी फोर सिक्स एट कम में बेच दी तो वस्तु आपकी कितनी चली जाएगी तो 600 में से सौ माइनस करोगे 132 आएगा नहीं 2132 की जो है ये चीज आपकी चली गई यानी सूट में खरीदी है यानी मैंने जो खरीदी है मैंने ये छब्बीस सौ वाली चीज़ जो है दुकानदार से मैंने इतने में खरीदी तो ये मेरा क्या होगा मेरे लिए हो गया कॉस्ट प्राइस ये तो मैंने इतने में खरीदी अब मैं क्या करता हूँ उसका अंकित मूल्य इतने रुपए डाल देता हूँ अब मैंने क्या करा, रहा इक्कीस एक, सौ दो हजार एक सौ बत्तीस रुपए की चीज खरीदी और उस पे मैंने मैं एमआरपी डाल दी अट्ठाईस सौ रुपए पे डाल के पंद्रह परसेंट की छूट देता हूँ तो अट्ठाईस का पंद्रह परसेंट कितना होगा तो अठाईस का पंद्रह परसेंट निकालने के लिए दस परसेंट दो सौ अस्सी हो जाता है और आपका दस परसेंट यानी आधा दस परसेंट का वो पांच परसेंट हो जाएगा एक सौ चालीस यानी छूट कितनी दूंगा मैं आठ चार बारह और आपका आठ चार बारह चार चार, चार सौ बीस की क्या मैं दूंगा छूट दूंगा यानी अट्ठाईस सौ वाली वस्तु मैंने क्या करा मैंने करा कि दो हजार एक सौ बत्तीस की चीज ली वो वो मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस अट्ठाईसो रुपए मैं उस पर एमआर पे डाल देता हूँ एम आर पे डालने के बाद मैं छूट पर बेचता हूँ कितने पंद्रह परसेंट छूट पर यानी अट्ठाईस पर पंद्रह छूट पर बेचूंगा यानी चार सौ बीस की छूट करूंगा तो कितने की चली जाएगी मेरे पास से वस्तु आठ सौ में से चार सौ बीस जाएगा तो तीन सौ अस्सी यानी आपका दो हजार तीन सौ अस्सी क्लियर अब पूछ क्या रहा है कितना लाभ होगा तो लाभ किस पे निकालेंगे लाभ तो उस पर निकालेंगे जितने मैं खरी मैंने खरीदी मैंने खरीदी कितने में थी इक्कीस सौ बत्तीस में खरीदी थी मैं बेच रहा हूँ इतने में तो कितना आपका लाभ हो गया तो आप माइनस करोगे दस में से दो जाएगा आपका आठ और आठ आठ में से चार में से या तीन जाएगा यानी चार में से सॉरी सात में से तीन जाएगा चार और ये आपका फिर बचेगा आपका यहाँ पे एक बाईस यानी दो यानी दो सौ अड़तालीस रुपए मेरा आंसर आ जाएगा आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपको अगर ये करना है कि पंद्रह मिनट में हमें कैसे मतलब हमारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में कि हम कम समय में कैसे अपना पेपर निपटाएं तो उसके लिए एक हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम करा रहे हैं कि पंद्रह मिनट में आपको ट्वेंटी क्वेश्चन मैथ के और प्लस पंद्रह मिनट के अंदर ही बल्कि पंद्रह मिनट से पहले ही हो जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन कि पंद्रह मिनट के अंदर ही हमें ट्वेंटी क्वेश्चन रीजनिंग के कैसे सॉल्व करने वो तरीका भी हम बता रहे हैं तो मैं तो रीजनिंग के लिए हम बता रहे हैं। तो पंद्रह मिनट के अंदर ट्वेंटी सीरीज वाली जो सीरीज चली उसे भी आप देखना ना भूलें तो वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग